हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा गाइनोसियम। सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द गाइनोसियम। आज हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है या तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है उनमें जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। तो याद रखना है बेटा कि गाइनोसियम इज अ मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट। तो ये मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जितने भी आपके बेटा फ्लावरिंग प्लांट है उनका जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। अब जिसे बेटा आगे देखते हैं, गाइनोसियम के जो फ्री पार्ट होते हैं, जो गाइनोसियम समझो एक गाइनोसियम है उसके जो फ्री पार्ट होते हैं उसको हम या तो पिस्टिल बोलेंगे या तो कार्पेल बोलेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बेटा, पिस्टिल और कार्पेल। अब बेटा जैसे आपको मालूम पड़ गया कि गाइनोसियम क्या है, तो जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनका जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम बोलेंगे गाइनोसियम। अब ये गाइनोसियम के जो फ्री पार्ट होते हैं उसको या तो हम पिस्टिल बोलेंगे या तो कार्पेल बोलेंगे। बेटा याद रखना है क्योंकि कभी कभी आपकी जो नीट की एग्जाम होती है या जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें पिस्टिल भी लिखा होगा या तो आपका कार्पेल भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे देखो बेटा कि जो पिस्टिल है या कार्पेल है इसको हम मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। सो पिस्टिल या तो जो कार्पेल है दे आर ऑल्सो नोन एज अ मेगास्पोरोफिल। तो मालूम पड़ गया गाइनोसियम क्या है, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उनका मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके जो फ्री पार्ट होते हैं उसको हम या तो पिस्टिल बोलते हैं या तो कार्पेल बोलते हैं। कभी कभी ये जो कार्पेल या तो ये जो पिस्टिल होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज अ मेगास्पोरोफिल, इनको हम मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। अब आप देखो कि कुछ एंजियोस्पर्म के जो गाइनोसियम होते हैं उनके अंदर, किसी किसी एंजियोस्पर्म के गाइनोसियम के अंदर एक कार्पेल या तो पिस्टिल होगा, और कोई कोई एंजियोस्पर्म के जो गाइनोसियम होते हैं उनके अंदर दो या दो से ज्यादा कार्पेल या तो पिस्टिल होंगे। तो ये बेटा जो अभी जो हम पॉइंट देखने वाले बेटा ये आपकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखो कि हमारे पास जो गाइनोसियम होंगे वो दो तरह के गाइनोसियम हो सकते हैं, एक मोनोकार्पेलरी और दूसरा आपका मल्टीकार्पेलरी। मैं दोनों का डिफरेंस आपको बेटा बताता हूं कि मोनोकार्पेलरी, अब जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड्स लिखा हुआ है मोनोकार्पेलेरी और दूसरा है आपका मल्टी कार्पेलेरी। तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं मोनोकार्पेलेरी क्या होता है। तो सबसे पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोकार्पेलेरी। सो मोनोकार्पेलेरी मींस इन सम गाइनोसियम ऑफ एंजियोस्पर्म हैव ओनली वन पिस्टिल और कार्पेल। कुछ ऐसे गाइनोसियम के एंजियोस्पर्म के गाइनोसियम होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही पिस्टिल होता है या कार्पेल होता है, उसका मतलब होता है उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलेरी। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। कार्पेलेरी का मतलब होता है कार्पेल। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। मोनोकार्पेलेरी मीन्स कि कुछ एंजियोस्पर्म के जो गाइनोसियम होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल एक ही कार्पेल होगा या पिस्टिल होगा, तो सच गाइनोसियम इज नोन एज अ मोनोकार्पेलेरी, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलेरी।
दूसरा अब देखो बेटा, व्हाट इज मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, हमने पढ़ा हुआ है मोर देन वन। तो कुछ एंजियोस्पर्म के जो गाइनोसियम होते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल या तो कार्पेल होंगे। तो ऐसे जो एंजियोस्पर्म के गाइनोसियम होंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्पेल होंगे या तो पिस्टिल होंगे, सो ऐसे गाइनोसियम को हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। सो प्लीज रिमेंबर बेटा कि कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म के गाइनोसियम होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब आप देखो, ये जो मल्टी कार्पेलरी है ये भी आपके दो तरह के होते हैं। एक ये जो मल्टी कार्पेलरी है, आपको मालूम पड़ गया बेटा मल्टी कार्पेलरी मतलब के ऐसे गाइनोसियम जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल होंगे उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ये मल्टी कार्पेलरी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एपोकार्पस और दूसरा होता है आपका सिंकार्पस। ये दोनों क्वेश्चन आपको बेटा नीट में पूछे जाते हैं। मल्टी कार्पेलरी या तो एपोकार्पस होंगे या तो सिंकार्पस होंगे। तो बेटा जैसे हमने पहले क्या समझा कि मल्टी कार्पेलरी मतलब क्या होता है, तो ऐसे गाइनोसियम जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्पेल हो उनको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं बेटा, ये आपके दो तरह के होते हैं। समझो एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये जो हमारा जो मेरा जो हाथ है बेटा, इसको हम समझते हैं गाइनोसियम। अब ये गाइनोसियम में ये जो फिंगर है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे कार्पेल। तो अब आप देखो, ये मेरा पूरा जो हाथ है उसको हमने क्या बोला गाइनोसियम, बराबर। अब इसके अंदर आप देखोगे तो पांच कार्पेल या तो पांच पिस्टिल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस गाइनोसियम में एक से ज्यादा पिस्टिल होंगे या एक से ज्यादा कार्पेल होंगे उनको हम बोलेंगे बेटा मल्टी कार्पेलरी। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टी कार्पेलरी हो गया, मतलब यहां पे एक से ज्यादा कार्पेल है बेटा। अब ये जो कार्पेल होते हैं या तो ये सारे कार्पेल फ्री होंगे, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, आप इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो ये जो कार्पेल होंगे ये दो तरह के हो सकेंगे, या तो फ्री होंगे या तो ऐसे फ्यूज होंगे, मतलब चिपके हुए होंगे। तो जिस मल्टी कार्पेलरी में जो कार्पेल होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अगर फ्री है तो उस मल्टी कार्पेलरी को हम बोलेंगे एपोकार्पस। तो एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब क्या होगा बेटा, एपोकार्पस मतलब के इस तरह का मल्टी कार्पेलरी के जिसके अंदर जो कार्पेल होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सो सच मल्टी कार्पेलरी इज नोन एज एपोकार्पस। अब आप देखो, ये हमारा क्या था गाइनोसियम जिसमें ये सारे आपके कार्पेल थे, मतलब ये मल्टी कार्पेलरी हो गया। अब इसके जो सारे जो कार्पेल है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज है, मतलब कि जॉइंट है, चिपके हुए एक दूसरे के साथ। तो इस तरह का जो मल्टी कार्पेल होगा उसको हम बोलेंगे बेटा सिंकार्पस। तो सिंकार्पस मतलब क्या होता है के बेटा, प्लीज रिमेंबर ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंकार्पस में क्या होंगे कि जो कार्पेल होंगे दे आर फ्यूज विथ ईच अदर, मतलब कि ये इस तरह का मल्टी कार्पेल है कि जिसके अंदर जो कार्पेल है दे आर फ्यूज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। जबकि एपोकार्पस में आप देखोगे तो जो कार्पेल होंगे दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पे फ्री होंगे, आपको ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। जबकि ये आपके फ्यूज होंगे। तो ये दो तरह के आपके मल्टी कार्पेलर होंगे। मोनोकार्पेलरी में आपका एपोकार्पस और सिंकार्पस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है बेटा, क्योंकि मोनोकार्पेल में तो क्या होता है एक ही कार्पेल है आपका,
या तो एक ही पिस्टेल है, तो वहां पे मतलब कि ये पिस्टेल या तो ये जो कार्पेल एक दूसरे से फ्री होंगे या तो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एपोकार्पस और सिंकार्पस सवाल आपका कहां पे पैदा होता है, मल्टी कार्पेलरी के अंदर। तो आपको पूछा जाएगा कि अब मल्टी कार्पेल इन विच कार्पेल आर फ्यूज विथ ईच अदर, तो सच मल्टी कार्पेल कार्पेलरी इज नॉन एज, सो इसको हम बोलेंगे सिंकार्पस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब आप देखो कि अब हम बात क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा कि पिस्टिल या तो कार्पेल मींस के गाइनोसियम, गाइनोसियम जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनका मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, और इसके जो फ्री यूनिट होते हैं उसको हम बोलते हैं पिस्टिल या तो कार्पेल। तो हम यहाँ पे बार बार अलग अलग वर्ड्स नहीं बोलते बेटा, हम कार्पेल बोलते हैं। तो अब देखो जो कार्पेल होते हैं, सो कार्पेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री डिफरेंट रीजन। जो कार्पेल होता है, कार्पेल होते हैं वो तीन अलग अलग रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर बनाया हुआ है, थोड़ा हम अलग से यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देखो कि जो टिपिकल कार्पेल होता है, सो टिपिकल कार्पेल इज कंसिस्ट्स ऑफ, टिपिकल कार्पेल इज कंसिस्ट्स ऑफ थ्री डिफरेंट रीजन। जो आपका टिपिकल कार्पेल होता है ये तीन अलग अलग रीजन से बना हुआ होता है। ये आपका जो सबसे ऊपर वाला जो फ्री एंड होता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके तीन अलग अलग रीजन, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवरी, अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो कि दिस इज टिपिकल कार्पेल, सो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो कार्पेल होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री डिफरेंट रीजन। अब आपका जो फ्री एंड होता है, अपर जो फ्री एंड होता है जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, अपर जो फ्री एंड होता है जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये हमारा एक टिपिकल कार्पेल है एंजियोस्पर्म का, इसके अंदर तीन अलग अलग रीजन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि जो कार्पेल का जो फ्री एंड होता है जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड अ स्टिग्मा। और जो बजल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, बजल सोलो पार्ट इज नोन एज अ ओवरी, मींस के जो नीचे वाला फूला हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। एंड देन एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर एलोंगेटेड पार्ट होता है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर एलोंगेटेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ स्टाइल। ये जो स्टाइल होता है ये स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। सो ये हमारा एक टिपिकल कार्पेल हो गया जो तीन पार्ट से बना है, स्टिग्मा जो अपर पार्ट होता है, फ्री एंड होता है जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, बराबर। देन एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अ स्टाइल, एंड बजल सोलो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ ओवरी, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। नाउ ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। अब आप देखो यहां पे हमने थोड़ा डिटेल में डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा स्टिग्मा है, अपर पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, बराबर। फिर ये हमारा एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहां पे थोड़ा छोटा किया हुआ है जगह नहीं होने की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं ओवरी, दिस इज कॉल्ड अ ओवरी, बराबर। ये ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये जो हमारी ओवरी है ये ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, बराबर। एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, सो दैट इज कॉल्ड अ मेगास्पोरेंजिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गाइनोसियम, सो इसको हम बोलेंगे मेगा
स्पोरेंजिया। सो मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है? ओव्यूल। ये कहां पे होते हैं? ओवरी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्पेल होता है उसका जो बजल सोलो पार्ट होता है, फूला हुआ जो पार्ट होता है, उसके अंदर आपके ओव्यूल होते हैं और ये ओव्यूल के अंदर आपके एम्ब्रियो सेक होते हैं। ये ओव्यूल के अंदर आपके एम्ब्रियो सेक होते हैं। तो जो ओवरी होते हैं उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, जिसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया। अब बेटा देखो, यहां से आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन है कि जो गाइनोसियम होता है, कैप्सेला का एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कैप्सेला। तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा कैप्सेला। अब इसके बारे में आपको नीट में क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। सो प्लीज रिमेंबर, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गाइनोसियम ऑफ कैप्सेला, कैप्सेला का गाइनोसियम कैसा होता है। तो याद रखो, कैप्सेला का जो गाइनोसियम होता है वो कैसा होता है, तो दैट इज बाई कार्पेलरी। बराबर, कैप्सेला का जो गाइनोसियम होगा वो बाई कार्पेलरी होगा। शायद आपको नहीं दिखता होगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा, बराबर, इसको मिटा देते हम। तो कैप्सेला के गाइनोसियम के बारे में बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैप्सेला का जो गाइनोसियम होता है वो कैसा होता है, सो दैट इज बाई कार्पेलरी होता है। बाई कार्पेलरी का मतलब होता है एक से ज्यादा कार्पेल होते हैं, मतलब दो कार्पेल होते हैं, सॉरी एक से ज्यादा ही हो गया, बट दो कार्पेल होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाई कार्पेलरी। दूसरा ये कैसा होता है, इसके जो दोनों कार्पेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, मतलब कि चिपके हुए होते हैं। मतलब कैसा हो गया बेटा, एपोकार्पस होगा या सिंकार्पस, सोचो आप। तो ऑब्वियसली मतलब कि यहां पे दो कार्पेल है आपके, इसको हम बोलेंगे बाई कार्पेलरी, और ये दोनों कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज है बेटा, तो इसको हम बोलेंगे सिंकार्पस। तो कैप्सेला कैसा होता है, बाई कार्पेलरी होता है, सिंकार्पस होता है, दूसरा यूनिलॉक्यूलर होता है। बरोबर, मतलब एक ही लॉक्यूल होता है, एक ही ओव्यूल होता है, यूनिलॉक्यूलर और सुपीरियर होता है। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। सो ये पॉइंट आप बेटा लिख सकते हो, क्योंकि 101% यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत ज्यादा है। सो प्लीज रिमेंबर, सो गाइनोसियम ऑफ कैप्सेला इज बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, यूनिलॉक्यूलर एंड सुपीरियर। बाइकार्पेलरी मतलब दो कार्पेल होंगे, दोनों कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, एक ही लॉक्यूल होगा, और जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब आप देखो, तो ये हमारा एक डिटेल डायग्राम है कार्पेल का, ये हमारा स्टिग्मा है, देन दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये ओवरी के अंदर ये आपका ओव्यूल है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। सो दिस इज ओव्यूल, बराबर, नाउ जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक क्वेश्चन आपको बेटा पूछा जाता है कि ये जो ओव्यूल होता है, मींस कि ये जो आपका मेगास्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं सॉरी, ये जो आपका मेगास्पोरेंजिया होता है ये कहां पे बॉर्न होता है। तो अब देखो, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वापस। तो जैसे एग्जांपल आप देखो बेटा कि ये हमारा स्टाइल है और ये हमारी ओवरी है, दिस इज द ओवरी एंड ये हमारा हो गया स्टिग्मा। चलो मालूम पड़ गया, ये हमारी कैविटी है, ओवेरियन कैविटी, दिस इज ओवेरियन कैविटी। ये ओवेरियन कैविटी में आप देखोगे ना तो कुशन लाइक टिश्यू होता है। ये ओवेरियन जो कैविटी होता है इसके अंदर एक गद्दी जैसे टिश्यू होते हैं, मतलब कि कुशन लाइक टिश्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो ये उसको मैं यहां पे रेड से बना रहा हूं बेटा,
तो ये हमारा कुशन लाइक टिश्यू है जिसको हम बोलेंगे प्लासेंटा, सो दैट इज कॉल्ड अ प्लासेंटा। ये प्लासेंटा के ऊपर, ये प्लासेंटा के ऊपर आपका जो ओव्यूल होता है वो बॉर्न होता है। ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा जाता है कि जो ओव्यूल होते हैं वो कहां पे बॉर्न होते हैं। तो ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द कुशन लाइक टिश्यू दैट इज नोन एज अ प्लासेंटा, बरोबर, इन ओवेरियन केविटी। जो हमारी ओवेरियन केविटी होती है, ये ओवेरियन केविटी के अंदर कुशन लाइक टिश्यू होता है। ये कुशन लाइक टिश्यू को हम बोलते हैं प्लासेंटा। इसके ऊपर आपका जो ओव्यूल होता है, मींस के जो मेगास्पोरेंजिया होता है, ये आपका यहाँ पे बॉर्न होता है, ये यहाँ पे आपका बॉर्न होता है। अब आप देखो कि समझो कि ये आपका प्लासेंटा है और ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं इसको हम बोलते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं ओव्यूल। तो अब आप देखो ये जो ओव्यूल होता है इसको प्लासेंटा के साथ एक जोड़ने वाली कड़ी होती है, एक लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ अटैच करता है। ये क्वेश्चन भी आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आप देखो ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, ये हमारा क्या है, प्लासेंटा है। अब ये जो ओव्यूल है इसको प्लासेंटा के साथ कौन ज्वाइंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ये हमारा फ्यूनिकल है, ये रहा, सो दिस इज फ्यूनिकल। तो आपको क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा जाएगा कि जो ये जो हमारी ओवरी है, सॉरी जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल को यहां पे आपका प्लासेंटा है, समझो कि यहां पे हमारा ये प्लासेंटा है, दिस इज द प्लासेंटा। तो ये जो फ्यूनिकल होता है, दिस फ्यूनिकल, ये जो फ्यूनिकल होता है ये ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ अटैच करता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है, बरोबर, जो ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ अटैच करता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्लीज नोट डाउन, इसको आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच पार्ट इज अटैच, विच पार्ट अटैच ओव्यूल विथ प्लासेंटा, कौन सा पार्ट है जो ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ अटैच करता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल फिर आप देखोगे फ्यूनिकल, इसके बाद कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नीट के लिए पूछा जाता है कि समझो कि ये तो हमारा हो गया फ्यूनिकल, ये जो पार्ट है आपका इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल, एंड ये जो हमारा, ये जो पार्ट है हमारा इसको हम बोलेंगे ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, बराबर। नाउ ये जो ओव्यूल होता है ये प्लासेंटा के साथ अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है, फ्यूनिकल के थ्रू होता है। बट एक पार्ट होता है जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को यहां पे आप देखोगे ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है यहां से फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे हिलम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। क्वेश्चन क्या है, जैसे हम बात करते हैं तो अ पॉइंट फ्रॉम विच ओव्यूल एंड फ्यूनिकल अटैच विथ ईच अदर, एक पॉइंट होता है जहां से जो ओव्यूल होता है और जो फ्यूनिकल होता है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हिलम, सो दैट इज कॉल्ड हिलम। चलो मालूम पड़ गया, अब बात करते हैं मतलब कि फ्यूनिकल और हिलम के बारे में, तो बेटा आपको मालूम पड़ गया। तो हिलम इज अ पॉइंट वेयर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल अटैच विथ ईच अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखो जो ओव्यूल होता है ये कहां पे बॉर्न होता है, प्लासेंटा के ऊपर बॉर्न होता है, ओवरी के अंदर, जो ओवेरियन कैविटी होते हैं उसके अंदर। किसमें से बॉर्न होता है कि जो पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस, बराबर। तो ये जो आप पार्ट देखोगे इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, दिस इज कॉल्ड अ न्यूसिलस, जहां से
ओव्यूल आपका बॉर्न होता है, मतलब जहां से पूरा ओव्यूल बनता है, पूरा ओव्यूल बनता है, दिस इज कॉल्ड ए न्यूसिलस, मतलब कि पेरेंट काइमेटस सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, पेरेंट काइमेटस सेल होंगे, बराबर। नाउ दूसरा एक याद रखना है कि जो हमारा ओव्यूल है इसका जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ न्यूसिलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूसिलस इज अ मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये ओव्यूल का मेन पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज, और आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ऑप्शन ए में दिया होगा आपको केलेजा, ऑप्शन बी में आपको दिया होगा माइक्रोपाइलर एंड, ऑप्शन सी में आपको दिया होगा हीलम, और ऑप्शन डी में आपको दिया होगा न्यूसिलस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा न्यूसिलस। सो न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मींस के न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ द मेगास्पोरेंजिया, ये मेगास्पोरेंजिया का मेन पार्ट होता है। अब आप देखो बेटा के ये जो आपका न्यूसिलस होता है, दिस इज न्यूसिलस, बराबर। ये आप समझो कि ये हमारा न्यूसिलस है, दिस इज न्यूसिलस। अब ये जो न्यूसिलस होता है थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं बेटा, जिससे आपको इजीली मालूम पड़े। तो जो मेन पार्ट होता है ओव्यूल का दैट इज कॉल्ड अ न्यूसिलस। तो ये हमारा न्यूसिलस है। नाउ दिस न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय वन अवर टू लेयर, ये जो न्यूसिलस होता है इसके आजू बाजू एक या दो लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, सो दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। सो आप देखो तो ये जो हमारा ये न्यूसिलस है जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो न्यूसिलस है, और ये हमारा इंटेग्यूमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। यहां पे आप देखो मैं यहां पे ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, तो दो लेयर होंगे, एक लेयर भी हो सकता है, दो लेयर भी हो सकता है, ये हमारा दूसरा इंटेग्यूमेंट है, सो दिस इज इंटेग्यूमेंट, बराबर। सो नाउ ये पार्ट आपका क्या हो गया, न्यूसिलस हो गया। सो न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय वन अवर टू लेयर, न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय वन अवर टू लेयर, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, इवन आपकी जो जो पर्टिकुलर जो आपकी सेट एग्जाम होती है बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय द वन अवर टू लेयर दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, जो अंदर वाला जो लेयर है, ये जो अंदर वाला लेयर है बरोबर, इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो अंदर वाला लेयर होगा उसको हम बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब ये हमारा ये जो अंदर वाला जो लेयर है इसको हम बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब ये आपका अंदर वाला लेयर हो गया जिसको हम बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, बरोबर। या तो टेगमेंट, इसको हम टेगमेंट भी बोलते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट या तो टेगमेंट। सो आपको पूछा जाएगा विच इंटेग्यूमेंट इज नॉन एज अ टेगमेंट, तो जो अंदर वाला है इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट को बेटा हम बोलते हैं टेगमेंट। और ये आप देखोगे ये जो है ना ये बार वाला लेयर है, बार वाला इंटेग्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड अ टेस्टा, बराबर। सो इसको हम बोलेंगे टेस्टा, बराबर। सो दैट इज टेस्टा। सो जो आपका न्यूसिलस होता है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय वन अवर टू लेयर, दीज लेयर आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। सो आउटर लेयर इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है या इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अब आप देखो ये जो पूरा न्यूसिलस होता है ना वो पूरा न्यूसिलस आपका इंटेग्यूमेंट से गिरा हुआ होता है, बराबर। जैसे कि समझो कि हमारे आजू बाजू पूरा एक लेयर है, बट एक जगह होती है जहां पे ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं ना ये एब्सेंट होते हैं, मतलब जॉइंट। अब देखो यहां पे मैंने देखो ना तो यहां पे ये हमारे ये पूरा यहां से ये जो ये आपका न्यूसिलस है ये पूरा न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट से ढका हुआ है, बट यहां पे खाली है, एक स्पेस है। वैसे ही यहां पे आप देखोगे ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, बराबर। पूरा न्यूसिलस आउटर इंटेग्यूमेंट से ढका हुआ है बट यहां पे एक खाली जगह है, तो वो पार्ट जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है,
बराबर। सो ये कहां पे होता है, जो न्यूसिलस होता है उसके आजू बाजू एक पार्ट होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर। तो ये अब देखो, ये माइक्रोपाइलर है जहां पे मतलब के इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आपको नेट में बेटा पूछा जाता है। तो ये आप देखोगे ना, तो यहां पे ये हमारा इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये हमारा इनर इंटेग्यूमेंट है, बट यहां पे एब्सेंट है। आप देखो बेटा, यहां पे एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर। ये माइक्रोपाइलर वो पार्ट होता है जहां से जो आपका जब पोलियन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होता है एंड जो पोलियन ट्यूब बनाता है। तो ये पोलियन ट्यूब आप देखोगे ना, ये पोलियन ट्यूब ओवरी के अंदर जो एंटर करता है ना, सॉरी ओव्यूल के अंदर जो एंटर करता है ना, वो माइक्रोपाइलर के थ्रू ही एंटर करता है। मतलब पोलियन ट्यूब आपकी यहां से ही एंटर करेगी, यहां से ही एंटर करेगी। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर। अब आप देखो, माइक्रोपाइलर का जो ऑपोजिट एंड होता है, ऑपोजिट एंड, ये माइक्रोपाइलर है उसके सामने वाला जो एंड है उसको हम बोलते हैं केलेजा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है बेटा, बराबर। तो ये अब देखो, ये हमारा न्यूसिलस है, ये हमारा माइक्रोपाइलर है जहां पे मतलब इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। ये माइक्रोपाइलर का जो ऑपोजिट एंड है, दिस एंड, सो दिस एंड इज नोन एज अ केलेजा। इस एंड को हम बोलते हैं केलेजा। So this is called केलेजा। So opposite end of माइक्रोपाइलर, बराबर, opposite end of माइक्रोपाइलर मतलब के न्यूसिलस का opposite end होता है माइक्रोपाइलर के सामने वाला, उसको हम बोलते हैं केलेजा, केलेजा। Now ये जो आपका ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक होता है, ये ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक होता है। अब देखो, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, बराबर, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है। ये एम्ब्रियो सेक के अंदर आप देखोगे ना, तो 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस, बराबर। अब देखो, 3 न्यूक्लियस केलेजा एंड की तरफ होता है, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा बात करेंगे। तो जो एंटीपोडल होते हैं, 3 एंटीपोडल होते हैं जो कहां पे होते हैं, केलेजा एंड की तरफ, केलेजा एंड की तरफ, केलेजा एंड। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा बात करेंगे, बराबर। तो केलेजा एंड की तरफ आपके 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 1, 2, 3 जो केलेजा एंड की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपके 3 एग एपार्टस होते हैं, 3 एग एपार्टस होते हैं, 1, 2, 3, बराबर। और सेंट्रल में आपके 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं, 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं, बराबर, सेंटर में। तो ये हमारा हो जाता है एम्ब्रियो सेक, दिस इज एम्ब्रियो सेक। तो ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक होता है। तो बेटा, आज हमने बात की गाइनोसियम के बारे में, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट। सो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, जिससे आप कोई भी बायोलॉजी के लेक्चर मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।